हरियाणा में पिछले 5 दिनों में पराली जलाने के मामलों में 4 गुना बढ़ोतरी सामने आई है। वहीं करनाल जिले के गांव सातरी के पास लाड़वा रोड पर पराली के स्टॉक में अचानक आग लग गई। आगजनी में कई क्विंटल पराली का स्टॉक जलकर राख हो गया है। वहीं पराली स्टॉक इंचार्ज ने बताया कि रात करीब 1 बजे नौकर ने पराली में आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन आगजनी में करीब 35 लाख रुपए की पराली जलकर राख हो गई। रात को 1 बजे के करीब आग लगी तो 1:20-25 पे नौकर उठा, उसने देखा कि आग लगी स्टॉक में, उसने मेरे को कॉल की। मैं जैसे ही फायर ब्रिगेड को कॉल की, फायर ब्रिगेड आ गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पहुंच चुकी थी, उसके बाद देखा वाली करिया। कितना स्टॉक था ये? ये लगभग 20,000 क्विंटल का स्टॉक था टोटल। तो कितने का नुकसान है इसमें? लगभग 15,000 क्विंटल जल चुका है। पीड़ित किसान का कहना है कि किसी शरारती तत्व ने पराली में आग लगाने का काम किया है। ये रात को आग लगी है और आशंका यही है कि किसी शरारती तत्व ने लगाई है। किस चीज में लगी आग? ये पराली है, पराली के गट्ठे हैं और लगभग 1,000-2,000 क्विंटल के करीब माल है और 30 से 35 लाख। तो काफी नुकसान हुआ जी? 30 से 35 लाख तक का नुकसान तो है। बहरहाल हरियाणा सरकार लगातार पराली न जलाने को लेकर किसानों को जागरूक करने में लगी हुई है, लेकिन सरकार की ये मुहिम केवल वादों में रखी जाती है। करनाल से सूर्य समाचार के लिए हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।